वहीं शेखपुरा में किसानों के समर्थन में देशव्यापी रेल रोको अभियान के तहत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने गया से क्यूल जाने वाली मेमू ट्रेन को रोक कर विरोध प्रकट किया है। मौके पर सीपीआई के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे, आरजेडी जिला अध्यक्ष संजय कुमार, किसान नेता कमलेश कुमार मानव ने मांग की कि किसान विरोधी कृषि कानून केंद्र को वापस लेना चाहिए, साथ ही बिहार में मंडी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शेखपुरा से धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, पूरे देश भर में आज रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये किसानों द्वारा ये रेल रोको जो चक्का जाम है ये किया जाएगा, इसका असर शेखपुरा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है धर्मेंद्र? ये देखिए सबसे पहली बात तो है कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा चक्का जाम का ऐलान किया गया था, सुबह 9 बजे से जारी रहेगा, परंतु 4 घंटे का जो ऐलान किया गया था, 4 घंटे नहीं बल्कि लगभग आधे घंटे ट्रेन रोककर लोग विरोध किए, और लोगों का कहना था कि सरकार के द्वारा जो 3 बिल किसान के खिलाफ जो लागू किया गया है उसको वापस ले और MSP लागू करे, सभी राज्य में मंडी की मांग कर रहे हैं और लोगों को, किसानों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है ये सामने नहीं झेलना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि शेखपुरा में भी, जहां पूरे देश भर में आज रेल रोको चक्का जाम का अभियान चलाया गया है किसानों द्वारा, इसका असर शेखपुरा में भी देखने को मिला, लेकिन करीब आधे घंटे तक ही रेल रोको चक्का जाम चलाया गया है शेखपुरा में।